कभी तुम्हारी दुनिया। ओके, तो डियर फ्रेंड्स कैसे हो, आई होप आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। तो आप लोग ने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा, तो इस टाइप का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। एंड इस वीडियो में जो सॉन्ग है, यह सॉन्ग इंस्टाग्राम रील्स पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप लोग भी इस सॉन्ग पर अपना रील्स वीडियो बनाओगे तो आपका रील्स वीडियो 110% वायरल होने वाला है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैं आप लोगों को आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ कि आप लोग इस सॉन्ग पर अपना रील्स वीडियो कैसे बना सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ओके, तो आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए BNF को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास BNF नहीं है तो BNF को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। तो प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे, फोटो वाले ऑप्शन पर आप लोगों को टैप करना है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को अपनी बचपन की फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास बचपन की फ़ोटो नहीं है तो आप लोग गूगल या फिर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं इस फ़ोटो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग इस फ़ोटो को डाउनलोड करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को वीडियो वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना एक सिंपल सा वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपल सा एरो वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर आपका वीडियो एंड फोटो आ जाएगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोगों को वीडियो के एंड में एक ब्लैक पार्ट मिलेगा, इसको आप लोगों को डिलीट कर देना है। फिर आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। आप लोगों को अपनी वीडियो में से आईडी को म्यूट करना है, तो वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर आप लोगों को टैप कर देना है, तो आपके वीडियो में से आईडी म्यूट हो जाएगी। फिर यहाँ से हम लोग सॉन्ग को लाएंगे, तो आप लोगों को म्यूजिक वाले ऑप्शन पर टैप करना है। म्यूजिक पर टैप करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को छोटा सा प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर टैप करना है। इस ट्रैक फॉर वीडियो पर टैप करेंगे तो इस सॉन्ग वीडियो की लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपल सा ओके पे क्लिक कर देना है, तो उस वीडियो में से सॉन्ग यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट में शो हो जाएगा। इस सॉन्ग पे आप लोगों को टैप करना है। नीचे को और आप लोगों को म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप लोगों को टैप करना है। तो इस सॉन्ग में आप लोगों को एक बीट मार्क को ऐड करना है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 5.95 सेकंड पर बीट मार्क को ऐड कर लेना है। आप लोगों को सॉन्ग को प्ले करके यहाँ पर बीट मार्क को ऐड कर लेना है। मैं आप लोगों को सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। बीट मार्क ऐड करने के बाद आप लोगों को यहां से डन कर देना है, तो यहां पर आपका सॉन्ग आ जाएगा, आप लोग यहां पर देख सकते हो। आप लोगों को स्टार्टिंग वाली फोटो पर टैप करना है, इसकी लेंथ को आप लोगों को बीट मार्क के हिसाब से रख लेना है कुछ इस तरीके से। फिर आप लोगों को अपनी वीडियो पे आना है, इस वीडियो को आप लोगों को सॉन्ग के हिसाब से कट करके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है। फिर आप लोगों को बीट मार्क पे आना है, यहाँ पर आप लोगों को एक प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर टैप करना है। थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप लोगों को जूम ट्रांजिशन मिलेगा, इस ट्रांजिशन को आप लोगों को अपनी वीडियो में अप्लाई कर लेना है। फिर यहाँ से आप लोगों को डन कर देना है। फिर आप लोगों को अपनी वीडियो पे आना है, इफेक्ट पर टैप करना है, थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रॉल करना है, जिल्टर इफेक्ट को आप लोगों को अप्लाई कर लेना है, इसकी लेंथ को आप लोगों को जिस तरीके से खींच लेना है। फिर यहाँ से आप लोगों को डन कर देना है, तो आपके वीडियो में इफेक्ट ऐड हो जाएगा, आप लोग यहां पर देख सकते हो। अगर आप लोग अपने वीडियो में इफेक्ट को और भी ऐड करना चाहते हो तो आप लोग अपने हिसाब से इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। तो हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है, आप लोगों को एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं हमारा वीडियो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो इस वीडियो को आप लोगों को सेव करने के लिए एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है, टिक पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट पर टैप कर देंगे तो आपका वीडियो सेव होने लगेगा। तो आई होप फ्रेंड हमारा वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी का आइकन प्रेस कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय।